हेलो गाइस थर्ड कंट्री विथ हाइपरसोनिक मिसाइल आफ्टर रशिया एंड चाइना विल ईरान आउट स्पीड द यूएस टू डिप्लॉय मैच फाइव प्लस वेपन दुनिया में केवल पहले दो ही देश थे रशिया और चाइना जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी मैच फाइव प्लस स्पीड के साथ अमेरिका उसके लिए कोशिश कर रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना सके मैच फाइव प्लस स्पीड के साथ लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका से आगे निकल सकता है कैसे ये संभव हुआ और कब होगा इसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ ईरान विल सोन प्रेजेंट अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल आफ्टर कंडक्टिंग ऑल द नेसेसरी टेस्ट आमिर अली हैजरत द कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स एयर स्पेस फोर्स सेड ऑन मंडे ईरान जो है वो प्रेजेंट करेगा नया हाइपरसोनिक मिसाइल उसने कंडक्ट किया सारे नेसेसरी टेस्ट को अमीर अली हैजरत ने कहा है जो कि कमांडर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स आई आर जी सी एयर फोर्स के और ऐसा उन्होंने मंडे को कहा है जो टेस्ट ऑफ दिस हाइपरसोनिक मिसाइल हैव कंडक्टेड एंड इट विल है न्यूज एजेंसी आई आर आई बी कोटेड हिम एस सिंग आई आर आई बी ने कहा है कि जो टेस्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल का ये कंडक्ट किया गया है और डिमॉन्स्ट्रेट तो किया जाएगा दिखाया जाएगा पूरी दुनिया को जल्द ही द कमांडर एडेट डेट द न्यू मिसाइल कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ ट्वेल्व टू फिफ्टीन मैच यानी एट थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी थ्री टू एलेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटीन माइल्स पर आवर इज मैंट्रेबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द एटमोसफियर एंड इस कैपेबल ऑफ टारगेटिंग एनिमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमांडर ने कहा है कि जो नया मिसाइल होगा वो फ्लाई करेगा बारह से पंद्रह मैच स्पीड की जो कि इन साइड अंदर यानी अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी एटमोसफियर के यानी अंतरिक्ष में भी जा सकता है और अंतरिक्ष में बिना जाए भी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है कैपेबल है टारगेट करने के लिए अनबे के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिफेंस सिस्टम मिसाइल वाले वैसे होते हैं जिसमें मिसाइल को रोका जाता है तो उस तरह के डिफेंस सिस्टम को ये उड़ा सकता है इन नवंबर 2022 तेहरान सेट इट है डेवलप द फर्स्ट नेशनल हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल द यूनाइटेड स्टेट सेट एट द टाइम दैट इट वाज कैप्टिकल ऑफ इरान्स रिपोर्ट नवंबर 2022 में तेहरान ने कहा था कि इसने डेवलप किया है पहला नेशनल हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल अमेरिका ने मजाक बना दिया था कहा था कि ये सच नहीं है और इसको स्कैपटिकल कह दिया था ईरान के रिपोर्ट को आर हाइपरसोनिक मिसाइल इनविजिबल क्या हाइपरसोनिक मिसाइल इनविजिबल हो जाती हैं गायब हो जाती हैं क्या यह सच है हाइपरसोनिक मिसाइल माइट नॉट बी द अल्टीमेट इनविजिबल वेपन एज बोस्टेड बाय चाइना एंड रशिया एटलीस्ट द यू एस डिफेंस स्टेबलिशमेंट अपियर्स टू बिलीव सो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये ऐसे अल्टीमेट इनविजिबल वेपन नहीं है जैसा चाइना और रशिया के द्वारा कहा जाता है यूएस डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने अपियर या ऐसा बिलीव करती है कि अल्टीमेट वेपन नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर द न्यू लेथल वेपन्स इन द आरसनल ऑफ रशिया एंड चाइना टू प्रोजेक्ट दियर पावर इन द यूक्रेन रशिया वॉर द किंजल हैज बिन रिसिव विद द अवे एंड द टेरर हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं ये नया लेथल वेपन है आरसन में रशिया और चाइना के जो जो दोनों की ताकत को बढ़ाता है यूक्रेन रशिया वॉर में अभी भी जो चल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर उसमें जो किंजल मिसाइल है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ये यूक्रेन को डराने वाली मिसाइल है जिसमें इस मिसाइल का लेकर पूरे यूक्रेन में खौफ रहता है मोस्ट रिसेंटली चाइना वॉर गेम टू डिस्ट्रॉय अ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप विद इट्स लेटेस्ट लॉन्ग रेंजिंग हाइपरसोनिक बेलास्टिक मिसाइल डोंग फेंग टू सिग्नल द अराइवल ऑफ अ ब्लू ड्रैगन स्ट्रेटी इन द इंडो पैसिफिक बहुत रिसेंटली चाइना वॉर गेम उसने डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को जिसमें लेटेस्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल था जिसका नाम था डोंग फेंग ट्वेंटी सेवन जो कि सिग्नल किया था आरइवल होगा ब्लू ड्रैगन का यानी ब्लू कलर का ड्रैगन होगा वो स्ट्रेटजी स्ट्रेटी है उसकी आप लोग जानते हैं वो जो भी स्ट्रेटजी बनाता है उसमें ड्रैगन उसका चिन्ह होता है एक तरह से इन द इंडो पैसिफिक रीज़न हम लोग को ये पता है उसकी इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पर अमेरिका अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है क्योंकि चाइना पहले ही दबदबा अपना बढ़ा चुका है तो इसीलिए चाइना को रोकने के लिए अमेरिका इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सब उसको काउंटर करने के लिए अपने अपने जहाज और जो भी इम्पॉर्टेंट सामान है इम्पॉर्टेंट हथियार हैं सबको भेज रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में दिस आर्च नेमिस ऑफ द यू एस है पोस्टफुल ऑफ इट्स हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम एंड हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉइंग दैम टू डेनी एरिया एक्सेस टू द यू एस बट द यू एस हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम आर ट्रेलिंग ओनिंग टू लैक ऑफ अ प्लान टेक्नोलॉजिकल गैप एंड बिलीव दैट द ब्लास्टिक मिसाइल्स आर अटर एंड अ कोस्ट इफेक्टिव बैट अगेंस्ट द एन एडवर्सरी आर्च नेमेसिस एक तरह की नेमेसिस फैल चुकी है अमेरिका में जो कि बोस्टफुल है हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम को लेकर और ऑलरेडी डिप्लॉय करिए उनको ताकि वो मना कर सके ऐसे एरिया में जो कि एक्सेस करती है यू को मतलब अमेरिका जो इंडो पैसिफिक रीजन में अब तैनात हो रहा है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगाना चाह रहा है और उस कुछ कुछ लगाया भी है ताकि वो चाइना जैसे देशों को चाइना रशिया इन जैसे देशों को जवाब दे सके इसके लिए वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रोग्राम जो रिलेटेड है उनको भी बढ़ा रहा है कि वो सबसे एडवांस सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हाइपरसोनिक मिसाइल बना सके बट द यू एस हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम आर ट्रेलिंग ओनिंग टू अ लैक ऑफ प्लान लेकिन अभी भी जो हाइपरसोनिक प्लान है अमेरिका का उसमें प्लान की कमी है टेक्नोलॉजिकल गैप है टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है और बिलीफ है कि जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं ये बेटर हैं कॉस्ट इफेक्टिव हैं और एंड एडवर्सरी साथ में अमेरिका भरोसा भी करता है कि जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं वो बेहतर हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स से और इसीलिए इस प्रोग्राम पे थोड़ा सा ध्यान कम दिया जा रहा है द यू एस आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स हैव दियर ओन नॉन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप वेपन्स डेट फ्लाई फाइव टाइम्स फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द स्पीड मोस्ट ऑफ दियर फ्लाइट इन द अर्थ एटमोसफियर अमेरिका की नेवी आर्मी और एयरफोर्स इनका अपना खुद का नॉन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है चल रहा है जो कि डेवलप करें ऐसे वेपन्स को जो कि पाँच गुना ज़्यादा साउंड की रफ्तार से आवाज़ की पाँच गुना रफ्तार से उड़ सके और इस्पेंड करे मोस्ट ऑफ दियर फ्लाइट इन द अर्थ एटमोसफियर यानी अर्थ के एटमोस्फियर में रहे अंतरिक्ष में ना चले जाए लेकिन एटमोसफियर में घूमता रहे अपना आधा से ज़्यादा टाइम वहीं पे रहे और टारगेट जब मिले तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें दिस मिसाइल्स आर डिजाइन टू बी मैनरेबल एंड कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स इन 15 टू 30 मिनट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे हाउ एवर यू एस टेक्नोलॉजी इज येट टू रिच द डिप्लॉयबल स्टेज ये जो मिसाइल्स हैं इनको डिजाइन किया गया है जो कि कैपेबल हैं स्ट्राइक करने के लिए किसी भी टारगेट पे 15 से 30 मिनट यानी 15 मिनट से लेकर के, के 30 मिनट में ये दुनिया के किसी भी इलाके में जा सकती हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे से हज़ार माइल की दूरी से ये जा सकती हैं लेकिन जो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है इसको किस जगह पर रखना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया चाइना क्लेम टू हैव डिप्लॉयड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सिस्टम द डी एफ सेवनटीन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी द डोंग फैंग ट्वेंटी सेवन अ रेंज ऑफ फाइव थाउजेंड टू एट थाउजेंड किलोमीटर इज ऑलरेडी इन सर्विस रशिया इज़ ऑल्सो डिप्लॉयड टू मिसाइल्स द किंजल हाइपरसोनिक एयर मिसाइल एंड द एवरगेंट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इन 2017 एंड 2019 थाउजेंड रिस्पेक्टिवली चाइना ने दावा किया है कि उसने डिप्लॉय कर दिया अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सिस्टम डी एफ को 2020 में और डोंग फेंग ट्वेंटी को जिसका रेंज जो है 5000 से 8000 किलोमीटर तक है वो अभी सर्विस में है मतलब अभी चाइना उसका यूज़ करता है रशिया ने भी दावा किया है उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को ब्लास्टिक मिसाइल है जो उसको भी रख दिए सर्विस में लिया हुआ है आप देख ही सकते हैं यूक्रेन वॉर में उसका अच्छा खासा यूज़ हो रहा है साथ में एवरग्राउंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है इसको भी परफेक्ट जगह पर लगा दिया गया है 2019 में द यू एस इज कमिटेड टू डेवलप अ कन्वेंशनल हाइपरसोनिक सिस्टम वाइल चाइना एंड रशिया आर सीकिंग ड्वेल कैपेबल सिस्टम हैविंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी द यू एस हैज़ ट्रेडिशनली कैप्ट सिस्टम फॉर डिलीवरिंग द न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पे लोड सपेट टू रिमूव एम अमेरिका जो है इसने कमिट किया है इसने एक कसम खाई है डेवलप करने के लिए कन्वेंशनल हाइपरसोनिक सिस्टम को और जो रशिया और चाइना है इनको अभी ज़रूरत है ड्वेल कैपेबल सिस्टम की यानी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल यानी नॉन न्यूक्लियर और न्यूक्लियर दोनों हथियार को ले जाए अभी इतनी क्षमता नहीं है तो इस क्षमता को डेवलप कर रहे हैं रशिया और चाइना मिल के द यू एस हैज़ ट्रेडिशनली कैप द सिस्टम फॉर डेलिवरिंग न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड तो अमेरिका जो है इसका पहले से ऐसा सिस्टम है जिसमें वो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पेलोड यानी दोनों तरह के हथियार को अलग अलग भी रख सकता है सेपरेट भी कर सकता है और साथ में रख के भी फोड़ सकता है दुश्मन के टारगेट में इट्स द इंटेंसिफाइड हाइपरसोनिक मिसाइल आर्म्स रेस द यू एस इन अप्रैल कन्फर्म डर द प्रोग्रेस ऑन डिप्लॉइंग डार्क ईगल लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम लुक्स प्रॉमिसिंग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द यू एस आर्मी वॉज इक्विप्ड विद द मिसाइल लॉन्चर सैंस मिसाइल द प्रोग्राम हैड ऑल्सो बीन रेडल्ड विद द टेस्ट फेल्यूर्स एंड डीलेस जो इंटेंसीफाइड हाइपरसोनिक मिसाइल आर्म्स रेस है उसमें यू एस जो है अप्रैल में जिससे कन्फर्म तो किया है कि जो प्रोग्रेस है डिप्लॉय करने का अपना पहला डार्क ईगल लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम ये प्रॉमिस किया गया था और दो हज़ार इक्कीस में अमेरिका आर्मी ने रिक्विप कर लिया था मिसाइल लॉन्चर को साइंस मिसाइल नाम था इसका और जो प्रोग्राम था इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था क्योंकि इसमें टेस्ट फेल्यूअर हुआ था साथ में कुछ डीले भी हुई थी फंडिंग को लेकर इनिशियली द आर्मी हेड प्लान टू कंडक्ट थ्री फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सिस्टम बिफोर डिप्लॉइंग द वेपन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फिजिकल ईयर बट द फेलर ऑफ द फर्स्ट टू टेस्ट पुस्ट द टाइम लाइन फॉर द थर्ड फ्लिट आर्मी ने दो हजार तेईस में सोचा था कि जो कंडक्ट करके अपना फ्लाइट टेस्ट सिस्टम का उनको डिप्लॉय करने से पहले लेकिन जो पहले दो टेस्ट फेल हो गए तो इसलिए टाइम लाइन को बढ़ा दिया गया दू एस एयरपोर्ट इन द लाइट ऑफ द फास्ट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम ऑफ द चाइना एंड रशिया जम्प समाइम लाइन्स टू कंडक्ट अ फ्लाइट टेस्ट इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ड्यूरिंग द ट्रायल द हाइपरसोनिक स्क्रैप जेट मिसाइल वॉज फ्लॉन्स्ड फ्राम अ बी फिफ्टी टू बम्बर एंड इट फ्लू एट ए स्पीड ग्रेटर दैन मैच फाइव एंड फॉर मोर दैन थ्री हंड्रेड नाटिकल माइल्स यूएस एयरफोर्स जो कि लाइट ऑफ फास्ट पेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करी है चाइना और रशिया की तरह इसने जम्प किया था कुछ टाइप लाइन के ऊपर कंडक्ट किया था फ्लाइट टेस्ट जनवरी 2023 में अपने ट्रायल के समय हाइपरसोनिक स्क्रैप मिसाइल उसको लॉन्च किया गया था बी फिफ्टी बॉम्बर से और ये फ्लू किया था मैच फाइव की स्पीड से ज़्यादा और तीन नॉटिकल माइल्स से दूर द सेकेंड टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन मार्च टू एज द वेपन फेल टू ट्रांसमिट इन फ्लाइट डाटा सेकेंड टेस्ट हुआ था मार्च 2023 में जिसमें जो वेपन था वो फेल हो गया था डाटा को ट्रांसमिट करने में

एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन प्रोग्राम है उसको दोबारा देखा जाएगा रिविजिट किया जाएगा दो हजार पच्चीस के बजट में दे हैव टू मोर टेस्ट आर्टिकल्स डेट वी कैन यूज़ एंड वी विल प्रोबेबली हैव टू डिसाइड ऑन द फेट ऑफ़ ए आर आर डब्ल्यू आफ्टर वी कम्प्लीट द एनालिसिस एंड होपफुली डू टू टेस्ट किंडल सेट किंडल ने कहा है कि हम लोग पास दो टेस्ट आर्टिकल्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे और प्रोबेबली डिसाइड करेंगे फेथ ऑफ़ द ए आर आर डब्ल्यू प्रोग्राम जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एनालिसिस ले, और होपफुली ये दोनों दोनों टेस्ट हैं उनको भी पास कर लेंगे द टेस्ट वॉज फॉलोड बाई क्रिटिसाइजम फ्रॉम द कांग्रेसनल बजट ऑफिस फॉर द लैक ऑफ अ प्लान ऑन द पार्ट ऑफ द यू एस एयरफोर्स एंड फॉर कटिंग कॉर्नर्स टू रेस टू प्रोटोटाइप एंड डिप्लॉय द मिसाइल जो टेस्ट था इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कांग्रेसनल बजट ऑफिस की तरफ से जिसमें कमी थी प्लान को लेकर पार्ट ऑफ यू एस एयरफोर्स की गलती थी इसमें और कटिंग कॉर्नर्स थे इसमें जो कि रेस किया गया प्रोटोटाइप को लेकर और डिप्लॉय किया गया मिसाइल्स को डायरेक्टर ऑफ द ऑपरेशनल टेस्ट एंड द इलुएशन निकोलस गोर्टिन सेट इन हिज एनअल रिपोर्ट टू कांग्रेस द द यू एस एयरफोर्स वॉज द फॉल्टेड फॉर टेस्टिंग द प्रोटोटाइप विदाउट एन अप्रूव्ड मास्टर टेस्ट प्लान आर एन ऑपरेशनल डिमॉन्सट्रेशन प्लान डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशनल टेस्ट और इवाल्यूएशन निकोलस गार्टिन ने कहा है अपने एनुअल रिपोर्ट में कांग्रेस के कि जो अमेरिका एयरफोर्स है वो उसकी गलती पाई गई है टेस्ट करने के लिए इस तरह के प्रोटोटाइप को बिना किसी अप्रूव्ड मास्टर प्लान के या ऑपरेशनल डिमॉन्सट्रेशन प्लान के इस जनवरी थर्टी वन रिपोर्ट सेट डेट द सिस्टम हैड इनकाउंटर हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम लीडिंग टू डिले जनवरी दो इकतीस की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सिस्टम था इसमें प्रॉब्लम आई थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लेकर और इसी के चलते ये टेस्ट जो है फेल हो गया स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ए आर आर डब्ल्यू Gartian said in the report the hypersonic ARRW missile was launched as the mid tire rapid acquisition program. But the ARRW to be launched from a bomber does not yet have an integrated test plan, blessed by DOT and E. A shortage of the range space and the long waits between the test sort, coupled with the snaffle unrelated to its design, have slowed progress. Specifically, the ARRW program. गार्टिन ने कहा है अपने रिपोर्ट पर कि जो हाइपरसोनिक ए आर आर डब्ल्यू मिसाइल है ये लॉन्च किया गया था मिड टायर में रैपिड एक्विजिशन प्रोग्राम था लेकिन जो ए आर आर डब्ल्यू है जिसको लॉन्च करना था बॉम्बर से वो अभी तक जुड़ा नहीं गया टेस्ट प्लान से ब्लस्ट किया गया डी ओ टी एंड ई के द्वारा जो कि शॉर्टेज है कमी हो रही है रेंज स्पेस के लेकर और लॉन्ग वेट की अभी लंबा समय लग सकता है टेस्ट शॉर्ट को लेकर जिसमें कपल विथ स्नैफर्स अनरिलेटेड रिलेटेड हैं अपने डिज़ाइन को लेकर उन्होंने स्लो कर दिया प्रोग्रेस को The report says it is unclear whether ARRW might be vulnerable to cyber disruption. So far, the report concluded ARRW has not yet demonstrated the acquired war fighting capability. Report में कहा गया है कि अभी भी unclear है कि जो ARRW है ये vulnerable है cyber disruption के लिए कि नहीं So far मतलब इसमें cyber disruption हो सकता है यानी hack किया जा सकता है कि नहीं लेकिन अभी भी इस, इस तरह का software जो है उस plane में उस तरह के मिसाइल्स में नहीं लगाया गया तो एक तरह से भविष्य में अगर साइबर हमला होता है तो उस मिसाइल को जो खतरा हो सकता है सो so, अभी तक जो है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो ए आर आर डब्ल्यू है इसने अभी तक ऐसा कुछ भी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी लगाया नहीं है डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया बताया भी नहीं है द एयर फोर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बजट रिक्वेस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी मनी फॉर बाइंग हाइपरसोनिक मिसाइल बट इट कंटिन्यूस टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फॉर ए आर आर डब्बू एंड रेथियोन्स हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल विथ 150 मिलियन डॉलर फॉर द फॉर्मर एंड द मिलियन डॉलर फॉर द लेटर अमेरिका एयर फोर्स 2024 बजट में रिक्वेस्ट में कोई भी इंक्लूड नहीं किया गया मनी जो कि खरीदने को लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल लेकिन ये फंड कर रही है रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए ए को और हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल को जिसमें पहले का 150 मिलियन डॉलर है पर बाद में का यानी बाद में और अगर रिसर्च किया जाता है तो उसका एडिशनल में तीन सौ अस्सी मिलियन डॉलर रखा गया है तो आप देख सकते हैं ए आर आर डब्लू यही प्रोग्राम है इसी तरह के मिसाइल है यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, है जिसके ऊपर काम चल रहा है अभी और भी इसको डेवलप किया जा रहा है द टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कांग्रेस बजट ऑफिस एनालिस्ट ऑफ द यू एस हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम ऑल्सो फाउंड ग्लेयरिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस लाइक मिटिगेटिंग एक्सट्रीम हीट जनरेटेड एट अ हाई स्पीड इन द एटमोस्फियर द प्रोजेक्ट 2023 हजार बजट ऑफिस में एनालाइज किया गया अमेरिका के हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम को लेकर जिसमें एक्सट्रीम हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा था जब वो बहुत ज्यादा एटमोस्फीयर या बहुत ज्यादा ऊंचाई में जा रहा था तो सेल्डिंग हाइपरसोनिक मिसाइल सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्टैंडिंग हाउ वेरियस मटीरियल्स परफॉर्म एंड प्रोडिक्टिंग एरोमिक्स एट द सस्टेन टेम्परेचर एज हाई एज टू थाउजेंड डिग्री फेरनाइट रिक्वायर एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग टेस्ट आर ऑन गोइंग बट फेलियर्स इन द रिसेंट ईयर हैव डिलेड द प्रोग्रेस एक्सप्लेन द रिपोर्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइपरसोनिक को सील्ड करना उसकी मिसाइल जो है उसको सील्ड में लगाना होगा साथ में उसमें सेंसेटिव इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी कोई हैक हाँ ना कर सके और अंडस्टैंड करना, करना होगा कि कैसे वेरियस मटेरियल जो है परफॉर्म करती है और प्रोडिक्ट करना होगा कि एरोडाइनमिक्स को लेकर सस्टेन टेम्परेचर में कितने टेम्परेचर तक जा सकती है तीन हज़ार डिग्री फारेनाइट तक जा सकती है यानी कम से कम उसको उतनी ज़रूरत है एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग के लिए टेस्ट जो है हमेशा चल रहे हैं ऑनगोइंग है उसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन जो फेलियर्स जो दो टेस्ट फेल हुए हैं रिसेंट ईयर्स में उसने डिले कर दिया प्रोग्रेस को द एनालिसिस फाउंड दैट इन कंपेरिजन टू ब्लास्टिक मिसाइल्स विद द मेनोरेबल वॉर हेड हाइपरसोनिक मिसाइल आर लेस लाइकली टू सर्वाइव इन द रिपोर्ट सेट दैट द ब्लास्टिक मिसाइल्स माइट हैव हैंडी कैप अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव लॉन्ग रेंज डिफेंसिस बट लो वन इज डेवलपिंग दम बट बोथ हाइपरसोनिक एंड ब्लास्टिक मिसाइल्स आर इक्वली पोटेंट अगेंस्ट द शॉर्ट रेंज डिफेंसिस एनालिसिस ने फाउंड किया कि जब कंपैरिजन किया जाए ब्लास्टिक मिसाइल से जिसमें वॉर वा, हेड के साथ तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये लेस लाइकली टू सर्वाइव यानी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं ये हैंडी कैप हो सकती हैं हाईली इफेक्टिव लॉन्ग रेंज डिफेंसिस के सामने लेकिन कोई भी नहीं कह सकता और कोई भी अभी तक डेवलप नहीं किया उस तरह के डिफेंस सिस्टम को जिसमें जो हाई ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं उसको बर्बाद किया जा सके बहुत हाइपरसोनिक और ब्लास्टिक मिसाइल्स जो हैं ये दोनों बराबर क्षमता रखती हैं शॉर्ट रेंज डिफेंसिस के खिलाफ हाइपरसोनिक वेपन्स कैन ऑल्सो मैन्यर अनप्रोडिक्टिवली एट अ हाई स्पीड टू काउंटर शॉर्ट रेंज डिफेंसिस नियर अ टारगेट मेकिंग इट हार्डर टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट दैन ब्लास्टिक मिसाइल्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिफेंड अगेंस्ट पार्टिकुलरली इफ दे आर इक्विप्ड विथ काउंटर मेजर्स टू कंफ्यूज द मिड कोर्स मिसाइल डिफेंसिस एंड मैन्यल वॉर हैड टू डिफीट शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंसिस द रिपोर्ट एक्सप्रेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो मैनवर है अनप्रडिक्टेबली है हाई स्पीड पे जो कि काउंटर करेगा शॉर्ट रेंज डिफेंस को यानी कम रेंज वाले डिफेंस को तबाह कर सकता है टारगेट के पास जो कि हार्डर होगा ट्रैक करना और उनको तबाह करना मतलब ब्लास्टिक मिसाइल जो हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों कैपेबल हैं शॉर्ट रेंज डिफेंसिस को यानी जिनकी रेंज जो कम है उस तरह के डिफेंस सिस्टम जैसे एस थ्री हंड्रेड सिस्टम जो है उस तरह को तबाह कर सकती है आराम से ब्लास्टिक मिसाइल जो है ये भी डिफिकल्ट है डिफेंड करना अगेंस्ट पार्टिकुलरली इफ दे आर इक्विप्ड विद काउंटर मेजर्स टू कन्फ्यूज़ द मिड कोर्स मिसाइल डिफेंसिस एंड द मैनोरेबल वॉर हेड टू डिफीट द शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंसेज और जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं अगर इनमें कुछ ऐसे मिसाइल्स भी लगाए जाएँ जो कि डिफेंस सिस्टम को कन्फ्यूज़ कर दें तो इसको भी रोकना लगभग लग लग नामुमकिन होगा शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बट वैन इट कम्स टू कॉस्ट द हाइपरसोनिक मिसाइल्स विल प्रूव मोर एक्सपेंसिव टू प्रोक्योर एंड डिप्लॉय दैन द ब्लास्टिक मिसाइल्स ऑफ द सेम रेंज जब पैसे की बात होगी तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होगा ये ज़्यादा महंगा होगा डिप्लॉय करने में भी खरीदने में भी बनाने में भी ऐसा अगर बेलस्टिक मिसाइल्स के साथ कंपैरिजन किया जाए द रिपोर्ट कंक्लूडेड गिवन देयर कॉस्ट हाइपरसोनिक वेपन्स वुड प्रोवाइड अ नीच कैपेबिलिटी मेनली यूजफुल टू एड्रेस ट्रीट्स दैट वर बोथ वेल डिफेंडेड एंड एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव रिक्वायरिंग अ स्ट्राइक इन फिफ्टीन मिनट्स टू थर्टी मिनट्स रिपोर्ट में कंक्लूड किया गया है जो कॉस्ट है हाइपरसोनिक वेपन्स जो है प्रोवाइड करेंगी नीच कैपेबिलिटी यूजफुल होगा एड्रेस करने के लिए ट्रीट्स जो कि वेल डिपेंडेंड होगी मतलब एकदम कड़ी सुरक्षा होगी तो उस समय हाइपरसोनिक मिसाइल अच्छा काम करेगा और एक्सट्रीमली टाइम सेंसिटिव मतलब कुछ समय में आपको टारगेट को तबाह करना है तो उसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल अच्छी चॉइस होगी जिससे 15 से 30 मिनट ही आपको मिल सकते हैं इफ द टाइम वाज नॉट कंसर्न मच चीपर क्रूज मिसाइल कुड बी यूज इफ द टारगेट्स व टाइम सेंसिटिव बट नॉट प्रोटेक्टेड बाई डिफेंसेज दैट इफेक्टिवली इंटरसेप्ट इन कमिंग ब्लास्टिक मिसाइल्स इन द मेडिल ऑफ दियर फ्लाइट द रिपोर्ट एड दैट दट अ लेस कॉस्टली ब्लास्टिक मिसाइल्स विद अ मेनोरेबल वॉर हेड कुड बी यूज द रिपोर्ट रिपोर्टेड रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि टाइम की चिंता ना हो तो हल सस्ता क्रूज मिसाइल यूज़ किया जा सकता है यदि जो टारगेट है ये टाइम सेंसिटिव हो यानी समय पे करना हो समय पे आपको टारगेट डिस्ट्रॉय करना है लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं किया गया उसको डिफेंस के द्वारा तो आप इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर सकते हैं इनकमिंग ब्लास्टिंग मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल ऐसी जगह यूज़ की जा सकती है जहाँ पर आपको समय पर टारगेट को हिट करना है लेकिन उसका कोई डिफेंस करने वाला नहीं है तो वहाँ पर ब्लास्टिंग मिसाइल बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा कि आप उसको यूज़ करें ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है क्योंकि लेस कॉस्टली प्लास्टिक मिसाइल्स विथ अ मेनरेबल वॉर हेड कुड भी यूज तो इसमें ब्लास्टिक मिसाइल का पैसा भी कम लगता है खर्च भी कम है इसका अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रेसनल बजट ऑफिस एस्टिमेट्स प्रोकरिंग थ्री हंड्रेड इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल्स एंड सस्टेनिंग द मिसाइल सिस्टम फॉर ट्वेंटी ईयर्स वुड कॉस्ट सेवनटीन पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कॉन्ग्रेसनल बजट ऑफिस के द्वारा दावा किया गया है भविष्यवाणी की गई है कि 300 इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल्स को लेने के लिए और सस्टेन करने के लिए मिसाइल सिस्टम को 20 सालों तक वो आपका 17.9 बिलियन यानी लगभग 18 बिलियन डॉलर जो है खर्च हो जाएगा बाई कंपेरिजन थ्री हंड्रेड ब्लास्टिक मिसाइल्स विद द सेम स्पीड रेंज एंड अ टारगेटिंग कैपेबिलिटी एज दो हाइपरसोनिक मिसाइल वुड कॉस्ट थर्टीन बिलियन डॉलर तो कंपेयर किया गया इसको ब्लास्टिक मिसाइल से जिसका आपको मेंटेनेंस लगभग थर्टीन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर लगेगा बीस सालों के लिए तो दोनों में कम से कम सिक्स बिलियन का अंतर है गाइस तो गाइस तब तक ले गुड बाय टाटा बाय बाय